देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। विकास परक विभिन्न योजनाओं पर नोडल अधिकारी ने की गहन समीक्षा व स्थलीय सत्यापन। आपको बताते चलें कि भदोही में समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी जनपद भदोही के आज ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ मंडल के प्रभारी मंत्रीगणों द्वारा माह मई जून जुलाई में की मंडलीय समीक्षा बैठक से संबंधित कार्यवृत्ति पर समुचित कार्रवाई कर समीक्षा एवं स्थलीय सत्यापन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समीर वर्मा ने खनिज कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि खनिज में रॉयल्टी की वसूली करते हुए राजस्व की और बढ़ोतरी की जाए और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पेयजल योजना के अंतर्गत जो सड़क खोदी जाए उसको कार्य समाप्त होने पर तत्काल ठीक कराकर मोटरेबल किया जाए। उन्होंने किसी विभाग उप निदेशक और निर्देशक दिए कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु प्राकृतिक खेती किए जाने के उपाय एवं उसकी विधि के संबंध में जन जागरूकता कर व्यापार स्तर पर प्रचार प्रसार कर लोगों को तैयार किया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग के अभियंता को निर्देशित किए कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करते हुए जिला स्तर पर 24 घंटे एवं ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली की उपलब्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें तथा खराब ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के अंदर बदलने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि गौवंश के संरक्षण के लिए पर्याप्त चारा व हरा चारा अवश्य उपलब्ध रहे, साथ ही समुचित सफाई व्यवस्था के साथ समय पर स्वास्थ्य की जांच भी कराई जाए। बैठक में जिलाधिकारी आयर काखौरे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह सहित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शैलेंद्र कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण, परियोजना निदेशक DRDA, समस्त उप जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।